and welcome back to my channel and welcome to Ayman Hassan Vlogs. कैसे आप सब लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और बड़े खुश होंगे क्योंकि ईद आ रही है थोड़े से दिनों में. आई होप सबका जो तैयारियां हैं ईद की बड़ी अच्छी गुजरी होंगी. लेकिन आज का जो हमारा व्लॉग है वो ईद से रिलेटेड नहीं है, वो रमजान से रिलेटेड नहीं है, वो कुछ और ही है, डिफरेंट है. जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल में भी देख लिया होगा, टाइटल भी पढ़ लिया होगा, इसलिए आप लोगों को पहले पता चल जाता है. यार जो वीडियो में वो थोड़ी सी एक्साइटमेंट होती है ना, वो भी खराब हो जाती है. हाँ जी, आज का जो व्लॉग है वो है हमारे नए घर के बारे में जिसमें हम रहते हैं. क्योंकि जब से मैंने व्लॉगिंग शुरू की है ना, तब से मैं अपने घर में जैसे व्लॉग करती हूँ और सब लोग मेरा घर देखते हैं, तो एवरीवन वाज डूइंग डीएम्स एंड यूट्यूब पे मुझे कमेंट्स आ रहे थे कि अपना घर का टूर करवाएं, हमें होम टूर दें, हमें एक वीडियो में एक प्रॉपर्स का एक वीडियो बनाएं. लेकिन फिर मैंने सोचा कि जरूर क्यों नहीं, मैं जरूर बनाऊंगी होम टूर का प्रॉपर एक वीडियो, इंशाल्लाह बड़े जल्दी ही आएगा. उससे पहले थोड़ा सा एक वो थोड़ा सा होता है ना हिंट दे जो होता है, उस तरह का एक वीडियो जाना चाहिए आप लोगों के पास. क्योंकि मैंने इस घर के बारे में जब ये बन रहा था, जब हमने लिया था, कुछ नहीं मैंने बताया. व्लॉगिंग तब मैंने इस चैनल पे शुरू नहीं की थी और ना ही मैंने उसकी कोई व्लॉग बनाया, ना वीडियो बनाई, कुछ भी नहीं पता है. घर कैसे लिया, कब लिया, किस तरह लिया, किससे लिया, कितने का लिया, मतलब सो मेनी क्वेश्चंस. तो आज मैं ये इस वीडियो में, इस वाले व्लॉग में आप लोगों को वो सब चीजें बताने वाली हूँ, ठीक है? कि जो क्वेश्चंस भी आते हैं ना मुझे, आपने कब लिया घर, कितने का लिया, होम टूर करवाए, कितने बेडरूम है, सारा कुछ आज आप लोगों को मैं इस वीडियो में बता दूंगी. होम टूर का जो वीडियो है ना वो कुछ दिनों बाद आएगा, लेकिन इस वीडियो में आज सारा कुछ आपके घर से रिलेटेड हर क्वेश्चन के आंसर मैं देने वाली हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस दी बेल आइकॉन. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. और वीडियो थोड़ा सा होने वाला है वॉइस ओवर में, क्योंकि जब ये घर बन रहा था मैं व्लॉगिंग नहीं कर रही थी और ना ही इस घर का व्लॉग बनाया था जैसे हमने आप लोगों को बताया है. तो अब सीन ये है कि मेरे पास वीडियोस सारी पड़ी हुई हैं, ठीक है? सब कुछ रिकॉर्ड किया हुआ है, जब बन रहा था, जब मैं काम करवा रही थी और जब हम चक्कर लगाते थे, और सबसे बड़ी चीज जब हमने फर्स्ट टाइम इस घर को देखा था और हमने जो कंस्ट्रक्टर्स होते हैं, जो भी मतलब यहाँ का मतलब कुछ भी जो जिसको जो भी कहते हैं, उनसे जब हमने कीज ली थी ना, जिन्होंने हमें घर सेल किया हुआ, बिल्डर्स जब बिल्डर्स से हमने घर सेल जब उन्होंने हमें किया था और घर की चाबियां जिस दिन उन्होंने हमें दी थी ना, उस दिन का हमारे पास, मेरे पास सब वीडियोस पड़ी हुई हैं. तो इसलिए ये थोड़ा सा स्टोरी टाइप वॉइस ओवर होने वाला है, तो इसलिए आप लोगों ने स्किप नहीं करना, सारा देखेंगे तो आप लोगों को समझ आएगा कि घर कैसे लिया, कब लिया, कहाँ लिया, कितने का लिया, एवरी क्वेश्चन आई एम गोना डू आंसर्स टुडे. तो अभी स्टार्ट करते हैं, वीडियो को पूरी देखिएगा और एंड पे मिलते हैं इंशाल्लाह. अच्छा जी, दिस इज द फर्स्ट डे जब हम अपना घर पहली बार देखने आए थे और आज हमें इस घर की कीज मिली थी. एवरीवन वाज सो हैप्पी, ठीक है? बिल्डर हमारे साथ था लेकिन उन्होंने बोला कि पहले आपको घर पूरा दिखा देते हैं. हम लोग इसमें कुछ भी नहीं था, मतलब कुछ भी नहीं एक होता है ना कि फ्लोरिंग होती है, कोई कबर्ड लगी होती है, कोई मतलब कोई काम हुआ था, कुछ भी नहीं, खाली ढांचा हमें दिया था उन्होंने. खैर अभी स्टोरी यहाँ से शुरू करते हैं कि ये घर मैंने ढूंढा कैसे. आयरलैंड में घर ढूंढना इतना ज्यादा मुश्किल है, चाहे वो रेंट पे हो या चाहे वो आप खुद बाय कर रहे हो, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है ढूंढना. इसलिए मैंने पूरा 1.5 साल इस घर को ढूंढा था. इस घर को तो नहीं, मतलब हमने घर खरीदना था और हम लोग घर 1.5 ईयर से ढूंढ रहे थे, ठीक है? और इसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी मेरी, क्योंकि हसन अपने काम में बिजी होते थे. हसन वॉज लाइक, तुम फोन पे होती हो सारा दिन, तो इट्स योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि तुमने ये घर मतलब अपना लिए ना, तुमने घर ढूंढना है कोई अच्छा सा. तुम देखती जाओ देखती जाओ, जो हमें पसंद आएगा हम नजर मार के आया करेंगे. और मोस्टली ऐसा होता था कि हसन मेरे साथ जाते भी नहीं थे, मैं अकेली ही जाती थी घर देखने. बहुत घर देखे, बहुत घर देखे, काफी जगह पे न्यू स्टेट्स जो बन रही थी उन पे नेम भी मैंने ऐड करवाए, वेटिंग लिस्ट में भी नाम डलवाया. आखिरकार मुझे एक बिल्डिंग, जो एक बिल्डिंग स्टेट थी ना, वहां से मुझे कॉल आई कि हमारे जो वेटिंग लिस्ट में आपका नेम था ना, उसमें हमारे आपके लिए कोई घर अवेलेबल्स हैं, ठीक है? अवेलेबल्स कह रही हूँ मैं, घर अवेलेबल है, 3-4 घर थे, तो आप उसमें से चूज कर लें और अगर आपको पसंद आता है तो आप हमें फिर उसका डिपॉजिट पे कर दें. अच्छा जी, इस लाइन में 4 घर थे, इसी लाइन में थे 2 बल्कि, और दूसरी एक लाइन में थे 2, ठीक है? सबसे बेस्ट हमें ये वाला घर लगा, इसका गार्डन, इसकी हर चीज हमें परफेक्ट नजर आई. लेकिन ये घर अंदर से कैसा दिखने वाला था,
इस घर के मैप के अलावा हमारे पास कुछ भी नहीं था, तो इट वाज अ बिग रिस्क के अच्छा चलो कर लेते हैं, ना मिलने से अच्छा ले लेते हैं। तो हमने ये घर बुक करवाया, अल्हम्दुलिल्लाह काफी महीने लग गए इस घर को रेडी होते होते। जब घर रेडी हो रहा था तब हमें कोई मतलब कुछ नहीं था, सिर्फ पेपर वर्क चल रहा था। जब घर रेडी हुआ ना, ये फर्स्ट डे था जिस दिन हम इस घर को देखने आए, और हमने पहली बार इस घर को देखा है कि घर लगता कैसे है देखने में और है कैसा, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक मैप था। मैप में हमें पता था घर कैसा, लेकिन हमने अंदर से घर, तुम्हें आप लोगों को पता है कि कैसा देखने में लगता है, वो डिफरेंट चीज होती है। कैट दीज वर द रूम, चार रूम थे। मरवा मेरा तो फुल ऑन हैप्पी फिर रही थी। अब आप लोगों को मैं बताती हूँ कि इस घर में कितने रूम्स हैं। इस घर में चार रूम्स हैं, ठीक है, एक किचन, एक यूटिलिटी रूम। रूम्स जो सारे हैं ना वो सारे ऊपर हैं, नीचे किचन है, लिविंग रूम है जिसको हम लोग ड्राइंग रूम भी कहते हैं, और उसके साथ है यूटिलिटी रूम, और नीचे एक वॉशरूम भी है, ठीक है। उसमें शावर नहीं होता, यहाँ पे सिर्फ टॉयलेट्स होते हैं नीचे वाले पोर्शन में। अभी जब ये घर मतलब बन रहे थे ना, तभी हमें उन्होंने चाबी दे दी थी, तो आप लोग देख सकते हो काफी घरों की अभी भी जो बिल्डिंग बन रही है, अभी कंस्ट्रक्शन चल रही थी। जब हम इस घर में शिफ्ट हो भी गए थे ना, उसके बाद भी बहुत से घरों की कंस्ट्रक्शन चलती रही है। अच्छा, ये जो रूम है ना, ये यहाँ की हॉट प्रेस है, इसके अंदर सारा हीटिंग का सिस्टम लगा होता है। दिस इज द थर्ड रूम जिसमें मैं आ रही हूँ, ठीक है। पहले आपको दो रूम दिखाए, फिर नहीं, आप लोगों को पहले तीन रूम दिखाए थे, ये चौथा रूम लास्ट वाला था, और इनमें से हमने डिसाइड करना था कौन सा रूम किसका बनेगा, वो बाद की बात थी। खैर, इस घर का गार्डन हमें बहुत अच्छा लगेगा था, ग्रासी गार्डन था, बड़ा गार्डन था, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत प्यारा गार्डन था। ये हमें गिफ्ट मिला था एक जो बिल्डर्स थे उनकी तरफ से, ऑब्वियसली शैम्पियन थी, अल्कोहल थी, हम लोग पी नहीं सकते थे, लेकिन हम लोग बड़ा हैप्पी थे कि हाँ हमें कुछ मिला है, नाइस था गिफ्ट। लेकिन हसन ने फिर बाद में ये अपने किसी नॉन मुस्लिम दोस्त को दे दिया था कि चलो वो यूज़ कर लेंगे, हमें तो इसकी ज़रूरत है भी नहीं है, फिर हमने ये नहीं रखा था। सो खैर, अभी सीन ये है कि घर कितने का लिया हमने, ठीक है। घर हमने लिया था ये अराउंड 4 लाख यूरोज़ का, ठीक है, 4 लाख यूरोज़ का। जब हम घर देखते होते थे ना, तो हमें अराउंड इसी पेमेंट में चाहिए था घर, बल्कि 350 तक हम ढूंढ रहे थे। हमने कहा था चलो 4 तक भी मिल जाए तो ठीक है, 4 लाख यूरो तक का भी। लेकिन क्या होता था, जब हम घर ढूंढ रहे होते थे ना, जो सेकंड हैंड घर थे ना यहाँ पे, वो चले जाते हैं बिडिंग पे, जिन पे बिडिंग्स होती हैं, और उनकी बिडिंग्स लिटरली 4.5 से 5 लाख यूरो के ऊपर चली जाती थी, जो आउट ऑफ बजट हो जाती थी। इसलिए हमें ना बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी अपने बजट के अंदर घर ढूंढने में। खैर, सबसे पहले तो फिर हमने पहले घर देख लिया था सारा, फिर यहाँ पे एक ये आंटी जी आ गई हैं, इन्होंने हमें बताना शुरू किया, पूरे घर की चीज़ें बता रही थी हमें, जो भी सिस्टम टेक्निकल जो भी चीज़ें होती है ना, इलेक्ट्रिसिटी, हॉट प्रेस की चीज़ें जिसमें आपकी हीटिंग का सिस्टम होता है, वो सारी चीज़ें, आपके बल्ब्स का सिस्टम कितने वॉट का लगेगा, क्या है सीन, आपकी फ्रिज कहाँ जाएगी, ये जो जगह है ये फ्रिज का एरिया, आप लोगों ने मेरे व्लॉग में बहुत बार ये किचन देखा होगा, इसलिए आप लोगों को मैं बता रही हूँ कि ये जो है ना, ये मेरा किचन है, ठीक है, यहाँ पे चूल्हा लगा हुआ है, आप लोगों को पता होगा ये मेरा किचन, आप लोग अच्छी तरह पहचानते होंगे जो लोग मेरे पहले व्लॉग्स देख चुके हैं। तो खैर, यहाँ पे ये हर चीज़ हमें ना किचन की समझा रही थी कि ये ऐसे चलता है, ये वैसे चलता है, ये इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आपने हमें बताना है। और इस घर पर ना 1 ईयर की फुल ऑन वारंटी थी, ठीक है। आपकी कोई भी चीज़ टेक्निकल चीज़ ख़राब होती है ना, तो आपने उनके पास जाना है या उनको मैसेज कॉल करना है, तो वो लोग फ़ौरन आपको ना एक वर्कर भेजते थे, और वो आके आपका जो वो प्रॉब्लम थी वो सॉर्ट आउट कर देता था, ठीक है। पिछले एक साल से मैं इस घर में रह रही हूँ, हमें कोई भी अल्हम्दुलिल्लाह प्रॉब्लम हुई है ना, तो फ़ौरन हमारी सॉर्ट आउट हुई है, कभी हमें प्रॉब्लम वारंटी की तरफ से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। ये ग्लैंडवे एक कंपनी है, वो लोग घर बनाते हैं, स्टेट्स बनाते हैं और आगे सेल करते हैं, इट्स लाइक अ बिल्डर कंपनी है, ठीक है। तो हमने उनसे लिया था। ये मेरी ओवन की और माइक्रोवेव की जगह है, जहाँ वो समझा रही थी कि यहाँ पे कितना बड़ा ओवन लगेगा, कितना बड़ा माइक्रोवेव लगेगा, इस वॉट से ज़्यादा नहीं लेना, इस वॉट से कम नहीं लेना। तो खैर, ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद हम लोग मतलब चीज़ें देखने का तो डिफरेंट चीज़ थी, लेकिन चीज़ें लेने की जो हैक्टिक जो चीज़ थी ना, वो बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि बाद में वो चीज़ें मैंने ही करनी थी। हसन जैसे कि काम में बिजी थे, जैसे घर खरीदा था ना वैसी चीज़ें भी मैंने ही खरीदी थी। बहुत कम जगहों पे हसन मेरे साथ होते थे और हसन जाके चीज़ चूज़ करके आते थे, क्योंकि हसन को होता था तुमने घर में ज़्यादा रहना है, तुमने किचन यूज़ करना है, तुमने हर चीज़ यूज़ करनी है, तो यू हैव टू चूज़ बाय योर सेल्फ। कल को मुझे मत बोलना कि आपने ये क्यों ले दिया, आपने वो क्यों ले दिया। तो इसलिए मोस्टली चीज़ें ना इस घर की मैंने खुद बाय की हैं, ओवन, माइक्रोवेव, चूल्हा, फ्रिज, मतलब
यहाँ तक कि बल्ब भी ना मैंने अपनी मर्जी से लगाए हैं इस घर के, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। तो खैर अभी हम जो जहाँ खड़े हैं ये है हमारा जो होता है एंट्रेंस, ठीक है। उसके अंदर आपकी जो मेन हीटिंग का स्विच था ना ये वाला था, तो वो हमें हीटिंग का समझाने स्टार्ट कर दिया था कि आपने हीटिंग को किस नंबर पर रखना है, किस लेवल पर रखना है। यहाँ पर सारी सेंट्रल हीटिंग्स होती हैं, आपको किसी भी चीज़ की कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। गर्मी लग रही है बंद कर दो, ठंड लग रही है ऑन कर लो, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ काफ़ी ज़्यादा एडवांस टेक्निकल थिंग्स हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग जब टाइलिंग करवा रहे थे घर की, क्योंकि घर में फ्लोरिंग नहीं थी, ठीक है, हमने घर में बहुत सारी क्या मतलब सारी चीज़ें ही खुद करवाई हैं, मतलब फ्लोरिंग से लेके सिर्फ एक रूम में हमारे जो थी ना वार्डरोब थी, बाकी किसी रूम में वार्डरोब नहीं थी। तीन बेडरूम्स में हमने खुद वार्डरोब्स करवाई हैं, ठीक है। फर्नीचर तो आपने लेना ही होता है, आपको वार्डरोब भी करवानी पड़ती है तो फिर बड़ा टेंशन होती है, लेकिन काफ़ी कुछ करवाया था। वॉशरूम्स में हमने मिरर्स ऑब्वियसली लगाने पड़ते हैं, लेकिन जो शावर्स के डोर्स थे ना वो भी खुद लगवाए थे। उसके बाद अभी आप लोगों ने रिसेंटली मेरा एक ब्लॉग देखा होगा कि अब जाके हमने घर में मुस्लिम शावर्स लगवाया, क्योंकि यहाँ पर डब्बों का रवाज है, यहाँ पर लोटों का रवाज है, यहाँ पर मुस्लिम शावर्स नहीं होते हैं, तो क्योंकि गोरे तो यूज़ करते नहीं हैं, वो तो टिशू यूज़ कर लेते हैं हम। तो खैर अब जाके हमने मुस्लिम शावर्स लगवा के घर को पूरा किया है। यहाँ हॉट प्रेस में इन आंटी का मेन काम था, क्योंकि इन्होंने हमें सारा कुछ समझाना था कि आपका हीटिंग का कोई भी प्रॉब्लम होता है तो आपने ये ऐसे करना है, ये ऐसे ऑन करना है, इसको छेड़ना नहीं है, इसको टच नहीं करना, हर चीज़ वो हमें ना मतलब पूरे तरीके से समझाती। खैर इसके बाद जो था ना सारा फ्लोरिंग का काम वो स्टार्ट हो चुका था, और फ्लोरिंग के लिए भी मैं ही रोज़ आती थी घर में, चक्कर लगा के जाती थी। जब तक मज़दूर काम कर रहे होते थे मैं घर पर रुकती थी, क्योंकि बच्चे स्कूल में यहाँ पर हमने डाल दिए थे, क्योंकि हम लोग रहते थे डिफरेंट टाउन में और हमने घर लिया था डिफरेंट टाउन में, तो बच्चों को ऑलरेडी हमने इस टाउन में एडमिशन दिलवा दिया था। तो सुबह मैं आती थी बच्चों को छोड़ के इस घर न्यू घर में आ जाती थी, सारा दिन घर के काम करवाती थी, जो भी वर्कर्स आए होते थे मतलब मजदूर वगैरह लगे होते थे उनसे काम करवाती थी, रुकती थी अपनी चीज़ें, आहिस्ता आहिस्ता मैंने शिफ्ट करना शुरू की हैं। ओके तो उसके बाद ये फ्लोरिंग लग रही थी, तो उसके बाद मतलब सारा काम मैंने खुद करवाया अल्हम्दुलिल्लाह इस घर का, क्योंकि हसन वाज सो बिजी। हसन को मैं जस्ट चूज़ करवाती थी कि हाँ हसन ये मुझे चीज़ पसंद आई है, ये देखिए फ़ोटो में ये चीज़ है तो आप बताएं, हसन कहते थे तुम देख लो। मैं फिर भी कहती थी हसन येस और नो तो कर देना, तो अगर हसन को नहीं कोई चीज़ पसंद आती थी ना तो हसन मुझे बता देते कि नहीं कुछ और देख लो। खैर मैं अपनी मर्ज़ी से हर चीज़ ले लेती थी। उसके बाद हमने फर्नीचर की जो है ना वो शॉपिंग स्टार्ट की। फर्नीचर की शॉपिंग हमने बहुत सारी चीज़ें ना बेड शेड ये वो हमने बहुत डिफरेंट शॉप से लिए, किसी एक स्टोर से हमने फर्नीचर नहीं लिया, बहुत सारे स्टोर्स पे ढूंढती होती थी मैं, ये ले लो वो ले लो ये ले लो। खैर फर्नीचर सारा हमारा माशाल्लाह पूरा हो गया था। उसके बाद घर में शिफ्ट होने के बाद हमने घर के जो किचन था ना उसकी बैक वॉल जो होती है ना पूरी, उस पर हमने ना ग्लास का पूरा जो है ना वो लगवाया है, हमारे जो ये ग्लास वॉल्स बनवाई हैं, क्योंकि हमने किसी के घर देखी थी, खैर मेरी नंद के घर भी थी लगी हुई, तो हमने किसी घर भी देखी थी, हमें बड़ी प्यारी लगती थी तो हमने सोचा था कि हम भी लगवाएंगे। खैर हमने ग्लास वॉल पूरे घर में लगवाई, नहीं पूरे घर में नहीं लगवाई, मतलब जो पूरे घर में जो बेडरूम्स के विंडोज थी ना उसमें जो हम कहते हैं कि साइड्स बनी होती है वहां पे लगवाई है हमने ग्लास की वॉल्स, ठीक है, छोटी छोटी ग्लास की टाइल्स कह लो। और जो किचन की ये देखे जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा होगा कि किचन की जो बैक वॉल है ना वहां पे ग्लास, ये सारा ग्लास का काम हुआ है। फिर हमें एक बड़ी चीज प्यारी लगी थी किसी घर में कि बिस्मिल्ला लिखी हुई, हमने इसलिए बिस्मिल्ला भी जरूर करवाई थी। खैर इस घर में शिफ्ट होने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह आज हमें एक साल से ऊपर हो चुका है, अल्हम्दुलिल्लाह कोई टेंशन नहीं होती, हमें इतना सेफ एरिया है, मरवा मेरा खूब इंजॉय करती है घर हमें शिफ्ट होने के बाद। ये हमारी दूसरे दिन की वीडियो है जब मैं मरवा मेरा की वीडियो बना रही थी, क्योंकि ये लोग बाहर स्नोफॉल देख रहे थे और बहुत इंजॉय कर रही थी। सो गाइज दिस वॉज द स्टोरी, आई होप आप लोगों को मजा आया होगा सुन के, और घर के बारे में आप लोगों को सारा कुछ पता लग गया होगा। पता क्या है कि जब आप लोगों को सबसे पहले चीजें पता होंगी ना फिर आपको होम टूर करने का बहुत मजा आएगा, तो इसलिए आई होप आप लोगों के आज की ये वीडियो बहुत इंजॉय की होगी और आप लोगों को सारे क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और जो लोग मुझे डीएम कर रहे हैं ना आप ही घर का टूर करवाएं, इंशाल्लाह उनके लिए जल्दी आएगा टूर, जल्दी ही वीडियो सेंड करूंगी, ईद के बाद करूंगी अब, ठीक है, तो जरा मैं ईद नबेड़ लूं उसके बाद इंशाल्लाह जरूर होम टूर की वीडियो अपलोड करूंगी।
सो गाइज इस वीडियो को यहाँ पे करते हैं हम एंड। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। इफ यू डिड गिव इट अ ह्यूज थम्स अप एंड लाइक और शेयर कर दिया करें मेरी वीडियो को। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कल को। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज, टेक केयर, बाय बाय।